नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पीएनबी महाघोटाले को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त, नीरव मोदी के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त पीएनबी महाघोटाले को लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर है, नीरव मोदी के ऊपर एक और मामला दर्ज हुआ है और साथ ही नीरव मोदी की 5649 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी जब्त की गई है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, मामले को लेकर 11 राज्यों में तलाशी जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 549 करोड़ रुपए के हीरे और सोने बरामद भी हुए हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 5649 करोड़ रुपए की 29 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी ने नीरव मोदी के हेड ऑफिस को निर्देश दिए हैं और साथ ही आपको बता दें कि न्यूयॉर्क, लंदन, मकाऊ और पेचिंग में कोई खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर निर्देश जो है वो दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे प्रकाश पीयूष, हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए वंतिका, सियासी संकट जो है इस वक्त ज्यादा है, न कि ईडी और इनकम टैक्स की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर ईडी अलर्ट था तो फिर नीरव मोदी कैसे चले गए। ये बात और है कि जो फॉर्मेलिटीज होती है जो सरकारी एजेंसियां हैं उसकी कार्रवाई पूरी की रखी जा रही है, हालांकि इसका भी विरोध हो रहा है और कई जो राजनीतिक संगठन है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ खानापूर्ति है। लेकिन अब 5400 करोड़ के आसपास की बात कही जा रही है कि ईडी ने संपत्ति को अटैच किया है, लेकिन सवाल यह है कि ईडी की ओर से अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ है जी? या फिर जो एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं उसकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सिर्फ बातें मीडिया में उड़ी उड़ाई क्यों आ रही है? तो कई सवाल हैं और आज कांग्रेस की भी एक बैठक होने वाली है और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बैठक होने वाली है, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को किस तरह से घेरेगी विपक्ष जी। पीयूष, इसके साथ ही एक और जो चीज जो निकलकर सामने आ रही है, अभी तक हालांकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एनडीए के समय में जो है ये पूरा घोटाला हुआ हो। देखिए, अभी तुरंत ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर बात मान ले बीजेपी स्पोक्समैन या बीजेपी के नेता जो रविशंकर प्रसाद की कि एनडीए से हो रही थी, एनडीए के समय से घोटाला हो रहा था, तो आखिर मोदी गवर्नमेंट का ये 3 साल था वो इसमें चुप क्यों रहे? और अगर ऐसी बात थी, गवर्नमेंट को जानकारी थी जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीबीआई को भी इसका प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था, तो आखिर फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीटिंग में नीरव मोदी का फोटो आना ये कहां तक सही है? तो कई ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसपे बीजेपी को देना है। आज बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि आजादी के बाद से सबसे बड़ा ऐसा ये मामला है जिससे बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। और खासतौर पर जो सोशल साइट है, जो फेसबुक और ट्विटर है, जिस तरह से ट्रोल हो रही है बीजेपी, तो बीजेपी को लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर सामने आना होगा, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी। लेकिन इसके साथ ही हालांकि जो तमाम अब दावे किए जा रहे हैं कि जितना जो ईडी ने जो हीरे जवाहरात जो जब्त किए हैं या फिर जो 5649 करोड़ की जो अचल संपत्ति जो जब्त की गई है, जब तक ईडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है या आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आके कुछ नहीं कहा जाता है, तब तक इस पर भरोसा करना उतना सही नहीं होगा अभी? देखिए अवंतिका, एक देश में प्रोसेस और सिस्टम है कि अगर कहीं कोई रेड होता है, वो चाहे लालू यादव के यहाँ भी जब रेड हुआ था, तो प्रॉपर इनकम टैक्स या फिर ईडी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सीजर लिस्ट को सामने रखती है मीडिया के सामने। और नीरव मोदी के मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक मीडिया में उड़ी उड़ाई खबरें आ रही है कि 5400 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है उसको सीज किया गया है या अटैच किया गया है। तो ये एक अभी बहुत जल्दीबाजी है, ईडी की ओर से कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन ईडी की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है वो प्रॉपर एक आधिकारिक तौर पे बयान अब तक मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा जी। एक सवाल और उठ रहा है प्रकाश पीयूष, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार छापेमारी ईडी की ओर से की जा रही है और साथ ही 5000 करोड़ का सामान जो है इसके करीब जो है अभी तक ईडी की ओर से बरामद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है, यानी कि जो कुल रकम थी करीब 11500 करोड़ की, उसके लगभग आधी रकम जो है वो बरामद कर ली है, ईडी की ओर से बरामद कर ली गई है। लेकिन साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि ईडी ने इतनी जल्दी इतना जो सामान बरामद किया गया है उसकी जो रकम है वो कैसे तय कर ली है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, आपका सवाल सही है कि 2 दिनों के भीतर अगर 5400 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है और हीरा जैसी बात की जा रही है कि हीरा जैसे जो अमूल्य पत्थर है उनको जब्त किया गया है, तो आखिर पैमाना क्या है सरकार के पास या ईडी के पास की उनकी कीमतें तय की गई हो? तो कहीं ना कहीं एक झोलमाल है और ईडी के अधिकारी काफी बसते फिर रहे हैं, सुबह से भी कल शाम तक मीडिया की भीड़ थी,
ईडी के यहाँ जो खान मार्केट में जहाँ दफ्तर है, जहाँ ईडी के बड़े अधिकारी बैठते हैं, लेकिन काफी सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी और कोई भी ईडी का अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक खानापूर्ति की जा रही है, लोगों के बीच आईवास किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया में भी जो खबरें हैं वो सेंसर्ड आ रही है, छनी हुई खबरें आ रही है। तो बहुत जल्दी ये अनुमान लगाना और ये कहना कि ईडी की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 549 करोड़ रुपए के हीरे और सोने बरामद किए गए हैं अभी तक। सूत्रों के मुताबिक, हालांकि ये खबर है, अभी तक आधिकारिक तौर पर ईडी की ओर से कोई सामने नहीं आया है मीडिया के सामने और इसकी पुष्टि करने के लिए, लेकिन अभी तक खबर यही है कि करीब 549 करोड़ की अचल संपत्ति भी जब्त कर ली गई है नीरव मोदी की, और इसके अलावा एक और केस नीरव मोदी पर दर्ज किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जंजैहली मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप लगातार, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं लग रहा है। सीएम की ओर से जंजैहली मामले को सियासी साजिश करार देने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम पर पलटवार किया। मुकेश ने कहा कि जंजैहली मामले में किसी प्रकार की राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इससे प्रदेश सरकार की मिसमैनेजमेंट की पोल खुली है। तो वहीं जंजैहली में 4 दिन SDM बिठाने के निर्णय पर चुटकी लेते हुए मुकेश ने कहा कि यह SDM कार्यालय है या फेरी वालों का कार्यालय है। उन्होंने कहा कि इस मामले को सीएम खुद हल कर सकते थे, लेकिन सीएम राजनीतिक दूत और बिचौलियों का सहारा ले रहे हैं और सीएम गुस्से में बात कर रहे हैं, जबकि किसी भी मामले का हल गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से निकलता है। वहीं भारत सरकार की ओर से फर्स्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को पायलट बेसिस पर चयनित किया गया है, जिसके चलते अब टैक्सियां चलाई जा रही हैं और इनके चलने से न केवल आम जनता के लिए परिवहन सुविधा होगी बल्कि प्रदूषण कम करने और सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने में भी इनकी अहम भूमिका रहेगी। शिमला में इस प्रकार की 11 टैक्सियां चलाई जा रही हैं। तो वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों में 50 विद्युत टैक्सियां चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश सचिवालय से इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन टैक्सियों में 50% किराए में विशेष छूट प्रदान की गई है। वहीं देहरादून में ट्रैफिक निदेशालय की ओर से नया नियम ट्रैफिक तोड़ने वालों के लिए बनाया गया है, जिसके चलते अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से चालान के साथ साथ बेशर्म का स्टिकर चिपकाने का निर्णय भी लिया गया है। तो वहीं इसके तहत फेसबुक पेज पर बेशर्म स्टिकर को लेकर पब्लिक से राय मांगी गई है। अभी तक फेसबुक पेज पर 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय देकर इस अभियान का समर्थन किया है, साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस अभियान को लाइक और शेयर कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले आगे से नियमों का ध्यान रखेंगे, साथ ही इससे दुर्घटना में कमी के साथ ट्रैफिक के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। उधर मथुरा के थाना बरसाना इलाके के कमई गांव में कुश्ती दंगल चल रहा था, जिस दौरान आपस में लात घूंसे चलने लगे। और साथ ही आपको बता दें कि दरअसल लोगों के मुताबिक कुश्ती के दौरान गलत फैसला देने की वजह से लात घूंसे चले, जिसके बाद दंगल को रोक दिया गया। मथुरा के गांव कमई में हर साल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। वहीं राजस्थान के ब्यावर के नंदनगर स्थित कुमावत समाज के भवन में सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई है और भवन के मलबे में 17 लोग दब गए हैं और आसपास के 12 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दरअसल एक हलवाई एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भर रहा था, जिसके बाद ये घटना हुई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला ने मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्मस्थल देवबंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरठ में एक महिला ने देवबंद की मस्जिदों पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन अब इसे भुनाने के लिए लग गए हैं। मामला न केवल धर्म परिवर्तन का है बल्कि रेप और झांसा देकर गर्भपात कराने का भी है। पीड़िता का आरोप है कि परवेज ने पहले तो पीड़िता को नौकरी दिलवाने और शादी का झांसा देकर उसका रेप करता रहा। जब महिला गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। इसके बाद
बाद परवेज ने शादी करने से पहले पीड़िता को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। परवेज उसे लेकर देवबंद में रशीदिया मस्जिद पहुंचा और वहां एक मौलाना ने कलमा पढ़वाया और नाम बदलवा कर कहा आपका धर्म परिवर्तन हो गया है। अब इस प्रकरण के सामने आने के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने इस महिला के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है और इस प्रकरण में देवबंद को दोषी माना है। थाना क्षेत्र का मामला है और जो लड़की है वो कानपुर की रहने वाली है। उसने पुलिस को शिकायत करी कि इस लड़के ने पहले मुझसे प्यार किया, फिर शादी की और भी बहुत सारी वो आरोप लगा रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उच्च धाराओं में FIR दर्ज करके और जो लड़का है तथा आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुझे बहलाया फुसलाया कि अब मैं तुम्हारे से निकाह करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अपने परिवार वालों से बात करूंगा, ऐसे ऐसे करके वहाँ से मुझे इसने निकाल लिया और किराए के घर पे रखने लगा। तो वहाँ पे लगातार मतलब कि मुझे इसी झांसे में रखता रहा कि मैं शादी करूंगा और ऐसे ऐसे करके हमारे संबंध बन गए। तो फिर मैं मजबूर हो गई, उस वजह से मैं प्रेगनेंट हो गई उस दौरान। तो इसने मेरा बहला फुसला के पता नहीं कैसे कैसे नशीली दवाई पिला पिलू के मुझे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद इसने फिर मैंने इसको शादी के लिए कहा, निकाह के लिए कहा, तो इसने ये कहा कि तुम पहले अपना धर्म परिवर्तन करवा दो। मेरा गर्भपात हुआ था अगस्त में, अगस्त के बाद मैं सितंबर में 6 सितंबर में गई थी देवबंद रशीदिया मस्जिद में। तो वहाँ पे मौलाना ने कहा धर्म परिवर्तन कर दिया, मैंने जाओ तुम अब निकाह कर लो, तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वहीं यूपी के बिजनौर से सिरफिरे आशिक ने युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवती का रिश्ता दूसरी जगह होने से नाराज पागल प्रेमी ने युवती को पीछ राह में ही गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल बिजनौर भेजवा दिया और साथ ही युवती की हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद युवती को मेरठ जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया है। क्या घटना हुई? वो लड़का मोरने का रहने वाला है, वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था शादी के लिए, मैंने उसे मना करी तो उसने मेरे गोली मार दी। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? इंदिरा देवी मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज मोरना बिजनौर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? BA सेकंड ईयर। तो क्या पेपर देकर आ रहे थे? प्रैक्टिकल था आज मेरा ड्रॉइंग का। ये सही बात है, थाना धामपुर क्षेत्र में एक लड़की शिवानी है, वो मोरना स्कूल से प्रैक्टिकल का एग्जाम देके वापस जा रही थी। तो खूब सिंह लड़का है मोरना का, उसने उसकी गोली मार दी है, गोली गले के पास लगी है उसके, उसको रेफर कर दिया गया है। एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये मामला है, मुकदमा कायम करके मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है और तमंचा भी बरामद कर लिया गया। और खबर अब हिमाचल प्रदेश के शिमला से है, जहां पर स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे अब छात्रों को आधार कार्ड बनवाने के लिए अब DC ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के IT मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने आधार कार्ड बनाने के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे छात्रों को अब DC ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आधार कार्ड बनाने के लिए लैपटॉप भी दिए हैं, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब घर बैठे ही छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे, जिसके लिए मंत्री जी ने 800 लैपटॉप भी बांटे हैं, जबकि नवजात बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए प्रदेश के अस्पतालों को 200 लैपटॉप दिए गए हैं, जिससे परिजनों को अब बच्चे के जन्म के साथ ही आधार कार्ड बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां पर लघु सचिवालय में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा की है। हिसार में संयुक्त जल संघर्ष समिति की धरने के 34वें दिन धरना स्थल समिति के अध्यक्ष कुरडा राम की अध्यक्ष में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने 5 मार्च को जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। किसान 21 फरवरी के बाद हरियाणा सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेंगे। किसानों ने कहा है कि अगर फिर भी किसानों की मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद किसानों का सरकार के साथ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। किसान सरकार के मामलों में अपना किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे और वो कोई भी बिल नहीं भरेंगे। किसानों की मांग है कि किसानों को सप्ताह में 2 बार नहरों का पानी दिया जाए। आज हम 33 दिन से यहाँ नहरी पानी की 2 सप्ताह की मांग, बरसात में लगातार पानी, टैलों पर पूरा पानी, हमारी किसानी के लिए आज 33वें दिन में आंदोलन प्रवेश कर गया है। संयम के साथ
किसानों ने इस आंदोलन को चलाया, लेकिन सरकार ने हमारी इन मांगों की तरफ कोई आज तक ध्यान नहीं दिया। हमें लीपापोती करके उठाना चाहती है, जबकि 3 साल पहले भी आंदोलन हुआ था। अब किसान का संयम टूटने जा रहा है। हम 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे, 5 तारीख को लाखों किसान महिलाओं के साथ गिरफ्तारियां देंगे। और मथुरा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस की स्वाट टीम ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा और नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने तस्करों से हरियाणा नंबर का ट्रक और 225 सुपारी पैकेट बैगों को भी पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत 60 लाख के करीब है और आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। तो वहीं पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। मथुरा पुलिस स्पेशली स्क्वाड टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें करीब 2.5 क्विंटल गांजा है वो बरामद किया गया है मैट्रिक के। और इसमें 4 एक्यूज्ड हैं जो 4 स्टेट के बिलोंग करते हैं, एक तरीके से इंटर स्टेट गैंग है ये। और इसमें ट्रक पूरा बरामद हुआ है, माल बरामद हुआ है, लगभग 40 लाख के आसपास हमारा जो नारकोटिक्स का मटेरियल है वो बरामद है और 20 लाख के आसपास के ट्रक, तो लगभग 60 लाख का पुलिस के द्वारा रिकवरी की गई है। इसमें वृंदावन पुलिस और स्वाट टीम ये सराहनीय काम है। वहीं मथुरा की गिरिराज नगरी में संतों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार ने स्थानीय 3 गिरिराज मंदिरों के अधिग्रहण की कार्रवाई का खुलकर विरोध किया। संतों ने कहा है कि नौकरी तो दे नहीं पा रही सरकार, लेकिन जिन पर जो पारंपरिक कार्य हैं उस भी छीन रही है। बता दें कि संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिग्रहण को लेकर खुलकर विरोध किया। संतों ने कहा कि स्थानीय 3 गिरिराज मंदिर सेवायतों की वंशानुगत विरासत के साथ ही संस्कृति भी है, इसे सरकार छीन नहीं सकती। संतों ने कहा कि हिंदू देवालयों करा ही अधिग्रहण क्यों करती है सरकार? सरकार को विकास करना है तो करे, लेकिन स्थानीय लोगों और सेवायतों का सहयोग ले, चाहे तो नियमावली बना दे, लेकिन मंदिरों के अधिग्रहण ना करें। और खबर अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बदमाशों से एक पिस्तल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दूसरे बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। और बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।